लिबर्टी, स्वतंत्रता की बातें कही और स्वतंत्र वातावरण में रहकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इसीलिए उन्होंने बाबा साहब ने उन सब चीज़ों को धारण भी किया था और इसीलिए धैर्यवान भी थे, धर्म पर चलने वाले थे। और जो आदमी धीरज और धर्म पर चलता है उसको कोई कभी हानि कर ही नहीं सकता है। यही कारण था कि बाबा साहब में वो क्षमता थी जो हजारों लाखों लोगों में नहीं थी और वो काम करके दिखाया जो कोई भी शासक आज तक कभी कर नहीं पाया, संसार में पहला उदाहरण था। इसलिए आपको समझना चाहिए कि हम बाबा साहब की ताकत पाने के लिए, बाबा साहब की समानता करने के लिए हमें कितने जन्म लेने पड़ेंगे। मैं उद्धारण देता हूँ, ललित गो की काउंसिल में जब बाबा साहब एग्जीक्यूटिव मेंबर थे तो उस समय ललित गो जो वायसराय थे यहाँ के, ये 1942 की बात है, उस समय उन्होंने बाबा साहब की बातों से, बाबा साहब के ज्ञान से, क्योंकि उनकी प्रवचन और उनकी बातें कभी उस पर आकाशवाणी वगैरह पर आती थी, तो उससे इतने प्रभावित थे कि ललित गो ने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर, यू आर हैविंग द नॉलेज मोर देन द फाइव ग्रेजुएट्स। आप समझे उस समय का ग्रेजुएट, एक ग्रेजुएट की क्या क्षमता होती थी, उस समय के एक ग्रेजुएट की क्या क्षमता होती थी, क्या ज्ञान होता था, उस समय की बात है। आज आप कितने लोग हैं जो ग्रेजुएट नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं, पीएचडी भी है, पढ़े लिखे सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी आज आप हम में सब में वो क्षमता और कैपेसिटी नहीं दिखाई दे रही जो होनी चाहिए। क्यों? इसका कारण आप कभी जानना नहीं चाहते, क्योंकि ये गहराई की चीजें हैं, इनको समझने की चीज, और ये अमल से आती है। अगर आप किसी बात पर अमल ना करें तो उसके सुनने से कोई फायदा नहीं है। जैसे एक उदाहरण भगवान बुद्ध ने भी इस बारे में कहा था, भगवान बुद्ध ने, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, एक समय भगवान बुद्ध ने इस बारे में कहा था, क्योंकि उनके समय में, अभी हमारे भाई जी ने जो कहा था, भगवान बुद्ध ने ऐसा, हमने उनकी शासन व्यवस्था थी, इसको शासन कहते हैं। वैसे भगवान बुद्ध के धम्म को हम एक गाथा में भी कह सकते हैं, और आपका त्रिपिटक है जो समुद्र की तरह विशाल है, समुद्र की जगह समान विशाल है, उसको समझने के लिए आपको बहुत अध्ययन की भी जरूरत होती है, लेकिन मैं उस अध्ययन में नहीं जाता। मैं एक गाथा से मैं बताऊंगा भगवान बुद्ध का धम्म और अनुशासन है क्या। उन्होंने खुद स्वयं ही आया है और वो कई जगह आया होगा, आपने पढ़ा होगा, धम्मपद में भी आया है। मैं वही कहना चाहूंगा कि आप पहले देखिए, मूल चीजें पढ़िएगा। वो कहते हैं सब पापस्य अकरणं, सभी पापों का ना करना, कुशलस्य उपसंपदा, और सभी कुशल कर्मों का करना, संपन्न करना, सच्चित्त परियोदपनं, और अपने चित्त को सन्मार्ग पर लगाना, एतं बुद्धानुशासनम्। यही बुद्ध का अनुशासन है। अब आप देखिए कितना सूक्ष्म है, कितना छोटा है, इसके लिए कोई पोथे की जरूरत नहीं है। अब आपको समझना है कि पाप क्या होते हैं और क्यों होते हैं, और उनका नकरना क्या होता है, उनका करना क्या होता है, और उनके करने से नकरने से आपके आप पर, दूसरों पर, समाज पर और अन्य प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने इस चीज को कहने के लिए और उस चीज को करने के लिए भगवान ने शील का रास्ता दिया है, शील पालन का रास्ता दिया है, प्रज्ञा का रास्ता दिया है, और उसको ध्यान में रखते हुए ज्ञान का रास्ता। इसीलिए आप देखेंगे कि जब चार आर्य सत्यों की बात भगवान बुद्ध ने की है तो वहां विज्ञान के लिए स्थान है लेकिन अज्ञान के लिए स्थान नहीं है। और एक गुरु को देखिएगा, गुरु कौन होता है, गुरु की पहचान क्या होती है, रियल मायनों में संसार का गुरु कौन होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध को संसार का गुरु के लोग गुरु कहा है। क्यों कहा है? कि जो गुरु अज्ञान के अंधकार को नष्ट करता है और ज्ञान की प्रज्ञा, ज्ञान की ज्योति और प्रज्ञा की ज्योति जलाकर सभी अंधकार को नष्ट करता है, ऐसे गुरु को नमस्कार करना है। और ऐसा गुरु सिर्फ भगवान बुद्ध थे। जब उन्होंने बोधिसत्व होने के बाद बुद्धत्व लाभ किया, उसके बाद उन्होंने उस ज्ञान ज्योति को, प्रज्ञा ज्योति को सारे देश में फैलाया। उन्होंने अपने लिए नहीं, जन कल्याण के, आप लोगों के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए, उनमें सभी का कल्याण था, जो आदि में कल्याणकारी था, मध्य में कल्याणकारी था, अंत में कल्याणकारी था। उन्होंने शील का रास्ता दिया है, सन्मार्ग का रास्ता दिया, उनमें सभी कैटेगरी के लिए, सभी प्राणियों के लिए स्थान है। वहाँ कोई जाति विशेष के आधार पर कोई श्रेष्ठता और नीचता की बात नहीं है। भगवान बुद्ध ने, आप देखिए जातिहीन समाज की कैसे भगवान बुद्ध ने स्थापना की, उस समय उन्होंने अपना एक संघ बनाया था जो संसार में पहला संघ था, उस संघ में भिक्षु संघ की स्थापना की थी,
और भिक्षु संघ को स्थापना करते हुए उन्होंने कहा था कि जिसमें जैसे समुद्र में सभी नदियां मिल जाती हैं और उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उनका निशान खत्म हो जाता है, ये भिक्षु संघ उसी तरह से है। जो भी राजकुमार, जो भी लोग यहाँ आए हैं या जो भी ब्राह्मण इसमें आए हैं, संघ में आए, उनका अपना अलग अस्तित्व नहीं रहेगा और संघ से ही जाने जाएंगे। और इसी के बाद यही आप समझिएगा कि उपाली जो एक नाई थे, उन्होंने विनय पिटक लिखा है। आप समझिए विनय पिटक, जिसको आप सभी भिक्षु, आप संसार के सभी भिक्षु फॉलो करते हैं। और वो राजकुमार जो भिक्षु बने थे, भुक्त की शरण में आए थे, उनसे पहले उपसंपदा होने के कारण उनको सभी नमन करते थे। तो वो समुद्र की तरह विशाल था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि धर्म को धारण करने की जरूरत है। कहकर प्रचारित करना तो अलग चीज है, लेकिन प्रचार उनमें करिए जो सीखना चाहते हैं। जो सीखना ही नहीं चाहते, उनमें कहने का कोई फायदा नहीं है और लाभ नहीं है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने जब अपने धम्म की आधारशिला रखी तो उन्होंने उसको टेस्ट लिया था कि आप उन लोगों को उपदेश देने जा रहे हैं, धम्म देने जा रहे हैं, जो आपको सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा, जो अर्हत लाभ कर चुके थे उस समय, उनको कहा था, जब भगवान बुद्ध ने अपने संदेशों को उधर उधर फैलाने की कोशिश की थी और लोगों से उन्होंने प्रार्थना की थी कि भगवान अगर आप इन चीज़ों को नहीं फैलाएंगे तो संसार में इन लोगों का कल्याण होगा और नाश होगा। इसीलिए भगवान बुद्ध ने उनको समझा था और उसके बाद उन्होंने इस धम्म को आप सबों को दिया। यही कारण है, आप ये देखिएगा इससे क्या क्या उत्पन्न हुआ और क्या क्या नष्ट हुआ, ये आपको समझने की जरूरत है। नंबर वन, ये जब चार आर्य सत्यों की बात आती है तो सबसे पहला ये है कि आप अपने दुख को जाने समझें, ये पहला वो है। दुख क्यों हो रहा है इसको समझें, दुख के कारण क्या है इसको समझें, और दुख का निवारण क्या रास्ता है ये समझें, क्योंकि आप सभी दुखी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। संसार में दुख व्याप्त है, लेकिन क्यों है इसको समझें। इसके लिए आपको हर तरीके से रिसर्च करने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है। और जब तक आप जागरूक नहीं है, समझते नहीं है, उसके लिए उन्होंने रास्ता बताया, कारण बताया कि दुख कहाँ से होता है। लेकिन मैं अब इन चीज़ों की विवेचना यहाँ नहीं कर सकता, क्योंकि ये विषय बहुत व्यापक है, इसको इतना आसानी से समझा नहीं जा सकता। मैं सिर्फ रेफरेंस मात्र दे रहा हूँ इसका। लेकिन हाँ, आर्य अष्टांगिक मार्ग की मैं जरूर बात करूंगा, जो आपकी आधारशिला है, जिस पर चलकर आप अपना वो प्राप्त कर सकते हैं जो बुद्ध संघ ने प्राप्त किया और जिसमें अर्हत्व लाभ हुआ। वहां कैटेगरी है, वहां चार कैटेगरी है, श्रोतापन, सकदागामी, अनागामी और अर्हत। ये श्रेष्ठता के चार मापदंड है जो संसार में सबसे श्रेष्ठ है, और उसके ऊपर 25 बुद्ध और उसके बाद सम्यक संबुद्ध। ये कैटेगरी है श्रेष्ठता की, जो किसी और धम्म में नहीं है। वो किसी जातिगत कारणों से नहीं है, पैदा होने के कारण नहीं है, जन्म लेने के कारण नहीं है, किस परिवार में जन्म या पैदा होने के कारण नहीं। वो कर्म की, सत्कर्म की श्रेष्ठता के कारण होता है, आचार में उनके शील पालन की वजह से होता है। और शील पालन से ही आपको सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। भगवान बुद्ध का कोई बाल बांका नहीं कर सका, जबकि उन्होंने निर्भय होकर बहुत से ऐसे काम किए जो कोई कर ही नहीं सकता था। लेकिन क्योंकि उन्होंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया था। जब आप प्राणातिपाता वीरमणि सिक्खा पदंग समाध्याम, जब इस पर मनन करके उस पर अमल करेंगे तो आपका कोई शत्रु ही नहीं होगा, आपका कोई दुश्मन ही नहीं होगा। और जब दुश्मन ही नहीं होगा तो मित्र और अमित्र की जो सीमा है, रेखा है, वो खत्म होगी। तो फिर आपको भय क्यों होगा, किससे भय होगा, क्यों होगा। हाँ, ये बात जरूर है, दुष्ट लोग फिर भी उनके थोड़ा बहुत नुकसान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ये देखेंगे ऑरा ऑफ इवेंट, ऑरा का कर्म की जो ऑरा है वो आपको सुरक्षित करती है हर समय हर जगह। इसलिए मैं कहता हूँ, इसी तरीके से आप ग्रस्तों के लिए पंचशील, आप देखेंगे कि जो श्रामणे होते हैं उनके 8 शील और 10 शील और 16 शील और उसके बाद भिक्षुओं के लिए 227 शील, जिसकी विवेचना भगवान बुद्ध ने जो पाली सी ने किया था विनय पिटक में। अब हमारे देश के जो कानून व्यवस्था है, मैं उस पर आना चाहूँगा। कानून व्यवस्था में हमारे बड़े बड़े जो जजे हैं और इवन सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है कि हमको ये सब अंग्रेजों से मिला है। मुझे अफसोस होता है कि हम लोग ये भूल गए कि हमारी भी संस्कृति को न जाना है, न पढ़ा है, न समझा है, और हम उस खजाने को गुमराह कर देते हैं जो हमारी निधि, अमूल्य निधि है, जिसकी वजह से अंग्रेजों को भी ये कानून मिला था। जो भी आज ट्रायल सिस्टम है, आप देखेंगे कि
विनय पिटक में भिक्षुओं का ये ट्रायल होता था और उसमें इस तरह से निर्णय दिया, जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है उनको वहाँ फॉलो किया जाता था। लेकिन पढ़ा नहीं तो हम अज्ञान है, और अज्ञान सबसे बड़े दुख का कारण है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग के पहली प्रिंसिपल रखा सम्यक दृष्टि सम्मादिट्ठि, पहले दृष्टिवान बने। पहला गुरु है जो आपको ज्ञान की बात करता है पहले, अदरवाइज सभी लोग जितने भी धर्म है वो ज्ञान की बात कोई नहीं करते, बहुत विशेषता है। दूसरी चीज सम्मा संकल्पो, यानी सम्यक संकल्प आप निर्णय करें सम्यक दृष्टि रखते हुए। अब सम्यक दृष्टि क्या होती है? सम्यक दृष्टि चार आर्य सत्यों को समझना, जानना और उनकी समूल को समझना, दूसरी चीज प्रतीत समुत्पाद को जानना, तीसरी चीज शील समाधि और प्रज्ञा इस पर अनुकरण करना, चौथी चीज आप ये देखेंगे कि चार स्मृति प्रस्थान है, चार सम्यक प्रधान है। इन सब चीजों को और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, और सबसी चीज तीसरे तीन जो ऐसे कुल्हाड़े हैं जो अज्ञान के रास्ते को काटते, वो आप पहली चीज पहली बार समझिए, चीजों को समझिए। नंबर एक आत्मा और परमात्मा, इन चीजों का कहीं भी बुद्ध धर्म में स्थान नहीं है, क्यों? वे अज्ञान को वो देते हैं, प्रश्रय देते हैं और कल्पना को प्रश्रय देते। भगवान बुद्ध ने कोई ऐसी बात नहीं की जिसका कोई संबंध आत्मिक के कल्याण से ना हो। अगर कोई बात ऐसी है जिसका संबंध आत्मिक कल्याण से, तो बुद्ध धर्म की बात हो ही नहीं सकती, और बुद्ध ने कहा हुआ हो ही नहीं सकता, इसलिए निश्चित समझे। इसीलिए कालाम सूत्रों कालाम के लोग अमल कालाम लोगों को उपदेश देते हुए उन्होंने यही कहा था कि किसी बात को केवल इसीलिए नहीं मान लो कि वो पहले से कही आ रही है धर्मशास्त्रों में, गुरु जी कहते हैं हमें अच्छी लगती है, या पहले से आ रही नहीं, पहले ये देखो कि क्या उसके करने से आपका कल्याण होता है, क्या उसके करने से दूसरों का नुकसान तो नहीं होता, क्या समाज का कल्याण होता है। जब इस कसौटी पर आप रखेंगे तो अच्छे बुरे का ज्ञान आपको स्वतः होगा। टेस्ट सारे दे रखे हैं लेकिन हम जानना नहीं चाहते, हमने जाना नहीं है, और जो जान गए हैं जो उस पर अमल कर रहे हैं निश्चित रूप से उन्होंने प्रगति की है और करेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। ये प्रज्ञा की बात, प्रज्ञा के बारे में मैं दो शब्द कहूँगा। प्रज्ञा एक बहुत दुधारी तलवार है, वो दुधारी तलवार है जो अज्ञान को काटते समय आपका नाश भी कर देती है, लेकिन अगर वो शील के साथ उत्प्रोत है तो निश्चित रूप से वो सिर्फ कल्याण ही करती है, और वही कल्याण वही प्रज्ञा सबसे श्रेष्ठ प्रज्ञा कहती है। वैसे प्रज्ञा के बारे में ये बताया है कि किन लोगों में प्रज्ञा होती है और किन लोगों में नहीं होती। आचार्य धम्मकीर्ति जो चौथी पांचवीं सदी में हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं पाली भाषा पाली के, जब भी जो भी है, उन्होंने एक बात कही कि प्रज्ञा किन में नहीं हो सकती, और जो प्रज्ञावान नहीं है वो मानव का कल्याण से हमेशा दूर है, उनसे कभी मानव का कल्याण संभव ही नहीं हो सकता, वो अपना कल्याण का मानव का कल्याण नहीं, अपना भी। उनमें कहा है, मूल भी बात कह रहा हूं, मूल बात है समझना चाहिए, वो कहते हैं वेद प्रमाण्यं, यानी जो वेदों को प्रमाण मानते हो, नंबर एक वेद प्रमाण्यं कश्चित् कर्तृवाच्यं, जो किसी को कर्ता मानकर चलते हैं कि भाई कोई भगवान है, कोई कर्ता है जिसने हमें सब हम सबको बनाया है, नंबर दो। नंबर तीन स्नाने धर्म इच्छा, जो स्नान में धर्म की इच्छा रखते हैं, जिनसे ये समझते हैं कि हम इसका स्नान करेंगे तो हमारा ये पुण्य होगा, हमारे खुश होंगे या हमारे को ये लाभ होगा। नंबर चार जातिवाद अवलेपम, और जिन पर जातिवाद का अवलेप चढ़ा, जो जातिवाद में विश्वास करते हैं, जो समाज ऐसे हैं। और नंबर पांच शरीरस्य पीड़नं पाप हानाय, कि हमारे पाप नष्ट होंगे अगर हम शरीर को कष्ट देंगे। तो भगवान वो कहते हैं धम्मकीर्ति जी, वो कहते हैं ध्वस्त प्रज्ञानाम पंच लिंगानी जाड़े, ये पांच लिंग हैं, पांच आइडेंटिटी है जिनमें प्रज्ञा नाम की चीज हो रही, विवेक हो नहीं सकता। यही कारण है कि वहां अंधकार और अविश्वास वहां स्थान ग्रहण करता है, और पब्लिक के विनाश के लिए वो अपनी दुकानें खोलते हैं। मैं इस लाइन पर बोलते हुए मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझना चाहिए कि बाबा साहब ने इस अंधकार को कैसे काटा। नागपुर के भाषण में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अडॉप्ट करने के बाद आप लोगों को कुछ दिशा निर्देश दिए थे। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोग उन दिशा निर्देशों को जानते हैं, मानते हैं और उसे अमल करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोगों ने बाबा साहब ने दी हुई 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ा है, जाना है, समझा है, और क्या उस पर अमल करना शुरू किया है।
मैं समझता हूं ऐसा नहीं हुआ, और यही कारण है कि आज हम वो प्राप्त नहीं कर सके जो बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण करते हुए सोचा था। सामाजिक एकता, राजनीतिक एकता, भाईचारा तब तक नहीं आ सकता जब तक आप अज्ञान से दूर नहीं होते, और अज्ञान तब तक दूर नहीं होता जब तक बाबा साहब के 22 नियमों को आप पालन नहीं करते, और बाबा साहब को आप तब तक नहीं जानते जब तक बाबा साहब को क्यों इन चीजों को समझ के उन्होंने क्यों किया और उस पर अमल करना शुरू नहीं करते, अमल करना की जरूरत है। वैसे एक उदाहरण से मैं अपना बात कहना समाप्त करूंगा। भगवान बुद्ध ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आप बहुत सी आचार संहिता भले ही जानते हो, दम की बातें बहुत जानते हो, लेकिन अगर उस पर अमल नहीं करते तो उसका कोई लाभ नहीं होता, और उसकी स्थिति क्या होती है, एक गाथा में कहा है भगवान बुद्ध ने। वो कहते हैं बहुम पिचे सहितं भासमानो, आदमी बहुत सी आचार संहिता का भाषण करता है, बोलता है, नेता करो होती नरो प्रमत्तो, लेकिन वो प्रमत्त आदमी, अभिमानी आदमी, घमंडी आदमी ऐसा करता नहीं है जैसा वो बोलता है, तो उसकी स्थिति क्या होती है, गोपो व गावो गणयम परेशम, जैसे ग्वालिया गाय चराने के बाद अपनी उन गायों को, जिन जिन की गायों को दे देता है, से भगवा सोमन ने भगवा सोमन, उसका मन सुमन नहीं होता, उसका मन में सुंदरता या पाप विरक्ति या पाप से वृत्ति नहीं होती। इसीलिए मैं कहता हूँ कि धम्म वो है जब आप हारते अल्प भी आप जानते हैं धर्म के बाद उसका आचरण करिए, वही आपको फल देगा। जैसे एक उदाहरण के बाद में इसका कहना पसंद करूंगा। भगवान बुद्ध ने इस बात को ध्यान में देते हुए ये कहा, आपने उन चीजों को पढ़ते हुए भी देखा होगा कि एक भिक्खू पटुसेन का रेफरेंस आता है, बौद्ध धर्म के बारे में अगर पढ़ा हो आपने जाना हो तो, भिक्खू पटुसेन उनकी यात्रा बहुत कमजोर थी, उनको कोई गाथा याद नहीं होती थी, और उनका माइंड जो बड़ा कूड़ था, तो कूड़ माइंड होते हुए उनको कोई गाथा याद नहीं, इसलिए वो कई बार जान नहीं पाते। एक बार भगवान बुद्ध ने उनके बारे में देखा, सोचा, तो तब उन्होंने भगवान बुद्ध ने उनको कहा कि पड़ोसे तुम ऐसा क्यों करते हो, भगवान मुझे याद ही नहीं था। बोला नहीं, अब तुम सारी चीजें छोड़ दो, जितना भी बातें हैं उनको छोड़ दो, सिर्फ ये दो बात, दो गाथाएं याद रखो। कौन सी दो गाथाएं? उन्होंने कहा कि ये चक्षुना संवरो साधु, साधु सोते न संवरो, यानी चक्षु से आदमी संयत है, नेत्रों से आदमी संयत है, श्रोते न संवरो कान से आदमी संयत, क्योंकि शरायत नहीं है, छह जब आप बारह खंडों का पढ़ेंगे और जब प्रति समाज को पढ़ेंगे तो वहां कहीं भी किसी भगवान की या ईश्वर की प्रार्थना मतलब नहीं है, एक्सचेंज का कहीं नहीं है, और वो आपको विज्ञान की तरफ ले जाता है, और यही कारण है कि कारण कार्य की युद्ध। वो कहते हैं सोते न संभरो साधु, खाना है संभरो साधु, साधु जिव्या संभर, यानी जीव से रस से संयम है। चौथा काये न संभर, अगला काये न संभरो साधु, साधु मनसा संभरो साधु, साधु सपत्त संभरो, सपत्त संभरो साधु, सब पाप पमुच्छति। जब आप इन चीजों में संयत हैं, इन चीजों से संयत हैं, रियल रूप में ध्यान से काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी पाप वृद्धि होती है। भगवान बुद्ध ने इन सब चीजों को ध्यान में देते हुए सबको समान कहा। आप देखें सोपा सुपा और बहुत ही प्रकृति वगैरह चांडा की औरतों को उन्होंने उपदेश दिए और वो इतनी व्यक्ति बनी। तो मैं ये चाहूँगा कि आप अमल की बात करिएगा, बोले कम काम जाने अमल में लाएंगे तो ही आपका अध्ययन फंसे, और जो चीज आएगा नहीं उसको साथ पता तो लगेगा नहीं, बोले कुछ नहीं। लेकिन इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी आयोजकों का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे समय दिया और आप लोगों ने शांतिपूर्वक सुना, और मैं ये चाहूँगा कि जन कल्याण के, अपने कल्याण के, दूसरों के कल्याण के, बहुजन के कल्याण के लिए आप वो रास्ता